नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सो so, सबसे पहले स्टॉक की अगर हम लोग बात करें दैट इज स्कॉट्स स्कॉट्स पे आप लोगों को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ एंड uh, आप यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक अपराइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन आया था एंड ब्रेक देने के बाद एग्जैक्ट इन्होंने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है विच इज द प्रीवियस स्विंग लो ठीक है दिस इज आर प्रीवियस स्विंग लो एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया एंड इट बाउंस बैक सो इट्स नॉट अ फॉल्स ब्रेक डाउन ठीक है जस्ट इट्स फॉर्मिंग इट्स सपोर्टिंग इट्स प्रीवियस स्विंग लो ठीक है सो so, ये री एंटर कर चुका है अपने ट्रेडिंग चैनल के अंदर ऑलरेडी एंड इट गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल एंड डेफिनेटली आईन सम वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फ्राइडे इन बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है सो so, इस पर हमारा ऑलरेडी बाय है uh, जो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं प्रोबेबली वो आ रहे हैं फोर्टीन हंड्रेड से लेके फोर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी के ठीक है आई एम होल्डिंग इट इन अ कैश एज वेल मैंने ऑप्शन में थोड़ा मन करा था वो मैं बुक कर चुका हूँ मैं ऑप्शन को एक दिन से ज़्यादा नहीं होल्ड करता सो ये मैंने अभी भी होल्ड करा हुआ है कैश के अंदर आप लोग भी बाय बना सकते हैं इंटर के अंदर देखिए राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट थर्टीन आप 1353 के ऊपर एक बाय बना सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन होल्ड इट फॉर 1400 टू 1430 फॉर अ वीक उसके अलावा अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली बुक सम प्रॉफिट अगर आपको 10 बारह रुपए ऊपर मिलता है एंड इजीली आपको मिल जाएगा ओके नेक्स्ट स्टॉक इज एम एन एम महिंद्रा महिंद्रा ये भी बाय करने की सलाह है आप लोगों को एंड यू कैन सीट फ्रॉम हे ये रेड कलर की लाइन फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का एक्ट करती थी जब उसे ब्रेक करा तब वो उसके लिए सपोर्ट बन चुका था एंड एग्जैक्ट अपने सपोर्ट से बाउंस करा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है सो so यस yes, एक दो अप मूव इसके अंदर आ सकती है ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स एक स्टॉक ऊपर जाता है फिर जब वो रिट्रेस लेता है एंड रिट्रेस के बाद जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है देयर यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक ठीक है जब बाय करेंगे उसके बाद जब एग्जैक्ट उसी लेवल पे रीटेस्ट लेके ऊपर जाता है तब भी आप लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हो ओके यू डोंट नो वेयर इट्स गोन बी द हाई हाई किधर होगा बट आप डेफिनेटली एक दो तीन परसेंट की मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगी सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट सेवन सेवनटी रुपीज आप सेवन सेवन टू के ऊपर बाय बना सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इस स्टॉक को बाय में रखिएगा एंड नेक्स्ट स्टॉक इज सिप्ला सिप्ला भी बाय के लिए है एक पर्टिकुलर चैनल था एक स्ट्रांग मूव उसके बाद एक चैनल के अंदर ये काम कर रहा था इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद वहां पर इसने कंसोलिडेट करा एंड कंसोलिडेट के बाद इसने फिर ब्रेकआउट दिया है अगर हम इस चैनल को इग्नोर भी कर देते तो भी आप देखिएगा एक अपमूव एक चैनल एंड इसका ब्रेकआउट सो यस देयर इज़ अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो इसकी क्लोजिंग है थ्री सॉरी एट थर्टी की आप 841 के ऊपर यहाँ पर एक बाय बना सकते हैं 850 तक का टारगेट आपको ये डेफिनेटली दे सकता है ठीक है और नेक्स्ट स्टॉक इज बंधन बैंक इस पर भी मैंने बहुत अच्छा ऑन करा था इसमें मैंने मैंने इसमें कैश में ऑन करा है ठीक है या आप देख सकते हो कि जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया था एक अपमूव आंड एक फॉल आंड एक अप मूव आंड एक फॉल अब देखिए व्हाट आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि अपने लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन ये बना रहा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था बिकॉज द मार्केट इज वेरी बुलिश दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज वेरी बुलिश इसको अगर रिवर्सल देना होगा और इसको लोअर लो लोअर हाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले परफेक्ट कन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा ओके परफेक्ट कॉन्फर्मेशन क्या होता है एक अपमूव आई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा नीचे आता प्रीवियस लो को ब्रेक करता और ऊपर जाके जब ये इसको ब्रेक करता इस पार्ट को हम लोग कन्फर्मेशन कहते हैं ओके सो अच्छे लेवल से ब्रेकआउट दिया है यहां पर मैंने थोड़ी सी पोजीशन एग्जिट कर दी है आई एम स्टिल होल्डिंग सम 420 के ऊपर आप इस पर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं 426, 428 तक के टारगेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा एंड आप लोगों को बहुत पहले भी पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक बार बताया था दैट आई एम होल्डिंग थर्ड कॉल ऑप्शन ठीक है मैंने आपको बताया था एक बार कि मैंने कुछ लॉट्स निकाल दिए हैं ठीक है और कुछ आई एम स्टिल होल्डिंग एंड कल इसने जब एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया एंड थर्टीन फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के ऊपर क्लोज करा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट हुए हैं एंड स्टिल आई एम होल्डिंग मेरे पास अभी भी दो सौ पच्चीस हैं शायद क्वान्टिटी या कितनी है आई डोंट नो शायद दो सौ पच्चीस मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है ठीक है uh, तीन या चार लॉट मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दैट पर्टिकुलर लॉट और मेरा जो टारगेट है फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड क्रॉस का है ठीक है, है so और मैं आप लोगों को continuously कह रहा था नहीं मार्केट के अंदर यू हैव टू बाय ऑन डिप्स अगर आप लोगों ने पोजीशंस बनाई होती मैं आप लोगों को 13,600 से कह रहा हूं जिस दिन मैंने आप लोगों को एक रिवर्सल बताया था ये पर्टिकुलर कैंडल आप देख रहे हैं इस कैंडल पे जो मैंने आप लोगों को एक रिवर्सल बताया था एग्जैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर बाई इनिशिएट करते तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इस लेवल पर बाई इनिशिएट करा है ठीक है कोई बात नहीं सो so, मुझे लगता है एक दो दिन के अंदर अंदर 14,500 भी आ ही जाएगा 14,600 भी आ सकता है सो so, तब मैं अपनी पोजीशंस को स्कोर ऑफ कर लूंगा एंड तब तक ले मैं कंटिन्यू बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं लिया है। मैंने बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी नहीं था ठीक है उस टाइम तो मैंने ट्रेड नहीं करा सो निफ्टी कंटिन्यूअस मूवमेंट दे रहा है बाय निफ्टी मुझे स्ट्रांग लग रहा है सो आई एम कंटिन्यूसली ट्रेडिंग इन निफ्टी एज वेल आपके लिए भी बाय है कोई भी लेवल मिल जाए मैं कह रहा हूं कल मार्केट गिर जाती है तब भी आप उठा लेना ठीक है मैं कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं कि फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो कहीं पर भी नहीं गया ठीक है मार्केट पे करेक्शन नहीं आएगी रिट्रेसमेंट ही आएगी याद रखना इस बात को ठीक है एंड uh, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं गाइस कल मिलता हूं मैं अगली वीडियो पे एंड कल मैं दो स्टॉक्स लेकर आने वाला हूं दिस इज अ रिमाइंडर कल मैं दो स्टॉक्स लेकर आने वाला हूं जो अगर आप तीन महीने तक भी होल्ड कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है एंड एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर है वो दो स्टॉक एक ही सेक्टर दो स्टॉक्स बता रहा हूँ सो प्लीज डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो वो कल अपलोड मैं कर दूंगा संडे को सो so आप लोग आराम से बैठ के घर पर देख सकते हैं सो गाइस अगर आप लोगों को, को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना जरूर भूलिए मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब uh, करना तो डेफिनेटली मत भूलेगा वी हैव टू क्रॉस वन लाख सब्सक्राइबर्स विद इन टू मंथ्स एंड गाइज शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना हो एंड अगर हमारा वर्क आप लोगों को पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू कमेंट एंड अप्रीशिएटर्स गुड बाय गाइज एंड विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट